राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। खबर अजमेर से है, जहां वार्ड नंबर 58 के पार्षद प्रकाश मेहरा के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में बेजुबान पक्षियों के लिए लोहे के पीपे के बने हुए 51 परिंदे क्षेत्र के ऊंचे लंबे पेड़ों, मंदिरों, उद्यानों एवं वार्ड के विभिन्न स्थानों पर लगाए। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रकाश मेहरा ने बताया कि पीपों से बने इन परिंदों में चारों तरफ खाने में बाश रखा जाएगा एवं बीच वाले स्थल में पानी रखा जाएगा और इसके साथ ही मिट्टी से बना पानी से भरा पात्र रखा जाएगा, जिसमें इसमें लोहे के अंदर काट ना लगे और ये लंबा समय तक चल सकेगा। भीषण गर्मी में जहां आदमी पानी के अभाव में व्याकुल मूर्छित सा हो जाता है, ऐसे में इन बेजुबान पक्षियों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारी संस्कृति भी है। एक परिंदा हमने हमारे उत्तर विधायक वासुदेव देवनान के निवास पर भी लगाया है और इसके साथ ही सभी परिंदों की निगरानी की व्यवस्था स्थानीय व्यक्ति को दी गई है। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग लाल टून साहू का रहा। इसके साथ ही इस अवसर पर सुनील मेहरा, सुबोध वेद, सचिन सोनी, अनिल मेहरा, ब्रजेश माथुर, रोहित पंसल, एमएस भार्गव, डॉक्टर संजय राजवंशी, भूपेंद्र मांगलिया, सुरेश रंगा, पीयूष सहित अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने एक ऐसा सोचते हुए कि भाई इंसान के लिए तो सभी इंसान करते हैं, लेकिन जो पक्षी हैं उनको देखते हुए हमने आज ये भी काम करने की कोशिश करी कि एक पीपे के अंदर हमने उसके चार टुकड़े कराए, जो पूर्व में भी हमारे बहुत से जो पार्षद बंधु उन्होंने भी किया था, उसी तर्ज पे हमने भी एक एक पिंजरे पीछे को कटवा के चार टुकड़े करवा के इसमें हमने इस तरह की व्यवस्था करी है कि उसके अंदर दाना डाला जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक ये भी पहल करी है कि इसके अंदर जो पानी का जो साधन है उसको हमने एक मतलब मिट्टी का चीज़ रखी है जिसके अंदर पानी ठंडा रहे, ताकि कोई भी तरह से इसमें कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बने कि पानी अधिकतर क्या हुआ करता था, चारों पल्लड़ में दाना डाल दिया करता था, बीज के अंदर में लोग बाग पानी भर दिया करते थे, उससे क्या था पानी में काट हो जाती और पानी तप जाता था, पीने लायक नहीं रहता था। अब हमने ये सुविधा करी कि इसके साथ के साथ एक अंदर ये हमने बर्तन रखा है उसके अंदर पानी भी भर दें, ताकि पानी भी उसको मतलब ठंडा मिले जानवर को, मतलब पक्षी को, और बाकी इसमें दाना वगैरह की सुविधा रही है। हमने लगभग अभी हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के बंधु लोग हैं, लालटून साहू है, सचिन भैया हैं, ये हमने पूरी टीम मतलब 5-7 जन थे, उन्होंने मिलके अभी लगभग हमने 51 ये कटवाए हैं और अभी हमने सार्वजनिक जगह पर लगाए हैं, जैसे मंदिर हैं या कोई ऐसी यही जगह हैं जहाँ पे हैं मंदिर है और उद्यान है वहाँ पर हमने ये लगाए हैं, ताकि ये व्यवस्था रहे। और उसके अंदर हमने ये तय किया है कि वहाँ पर जो भी पुजारी है उसे हमने कहा भाई लगाने से मतलब नहीं है, आप इसके मेंटेनेंस रखें, मतलब दाना वगैरह डालें, दाने के लिए उनको कह रखा है कि दाना डालें, पानी भरें, इसीलिए हमने सार्वजनिक स्थान पर लगाया। और बाकी घरों पर भी हम कोशिश करेंगे, अगर कोई भी और जरूरत पड़ेगी तो उसके अलावा भी और भी बनवा के हम इसके लिए हम बांटेंगे, ताकि जो भी हमारे पक्षी हैं उनका भी हम उनकी ओर ध्यान दें, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि इंसान तो कैसे भी करके अपने शाम दाम दंड भेद से अपना परिवार और अपना पेट पालता ही है, पर पक्षी और अभी कोरोना का महामारी के टाइम पे अगर हम देख सकते हैं कि सार्वजनिक स्थान पे जहाँ दाना डालता था वो भी एक स्थिति कम हो गई है, सार्वजनिक स्थान पे भी दाना डालने वाली स्थिति कम है, उसको देखते हुए हमने ये व्यवस्था करी है, ताकि कोई भी पक्षी किसी भी तरह से भूखा नहीं रहे, ये हमारी मान्यता है, इसी के अनुसार हमने कार्य किया है। पार्षद हाँ, लालटून जी बताइए, क्या आपने क्या लगाया है? आज हम चिड़िया के लिए जो पानी और दाना के दोनों व्यवस्था करा है, और जैसा कि इंसान के लिए तो सब सोच रहे हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए कौन सोचा, ये चीज़ हमारे दिमाग में आया था। और ये कुछ नहीं तो पुराना, जैसे अपने घर में सबके काम आते तेल के पीपा, तो कबाड़ी को बेच देते हैं चाहे जो भी, तो इस चीज़ को हमने काम में लिया है और पीपा के मतलब पीपा का ही बनाया गया है और उसमें पानी और दाना के दोनों व्यवस्था किया और जगह जगह लगाएंगे, जो भी हमारे रोने के जो भी माननीय आदमी हैं जगह जगह उनके द्वारा ये लगवाएंगे। किस तरह का काम करेगा पीपा? पीपा काम दोनों ही है, पानी और दाना दोनों ही रहेंगे। अच्छा। तो सब तरह के चिड़िया खा सकते हैं।